कार्यक्रम सिनेमाघर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को अंजू पांडे का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आज के सिनेमाघर में फिल्म है 1965 की फिल्म खानदान, जिसे डायरेक्ट किया था डायरेक्टर ए भीम सिंह ने। ये उनकी ही निर्देशित एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। फिल्म के निर्माता थे वासु मेनन, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, और इस फिल्म के लिखे गीतों को संगीत में पिरोया रवि ने, जिन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर का भी फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। और फिल्म में गीतों को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, और इन्हीं के साथ गीत गाया है उषा मंगेशकर ने भी। और मुख्य भूमिकाओं में हैं सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश, ललिता पवार, मनमोहन कृष्ण, सुलोचना मुमताज, प्राण, मोहन चोटी, हेलन और सुदेश कुमार। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां बच्चों की एक टोली पतंग उड़ा रही है। तभी उनकी पतंग एक बिजली के खंभे से अटक जाती है, तार में अटक जाती है, और एक बच्चा दौड़कर खंभे पर चढ़ जाता है, जैसा कि अमूमन होता है। पतंग को तार से निकालने के क्रम में उसका हाथ बिजली के तार से छू जाता है और वो बच्चा बिजली के झटके से नीचे गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर बच्चे के पास पहुंचते हैं। इस सीन के बाद ही कास्टिंग शुरू हो जाती है। कास्टिंग के बाद जो सीन आता है उसमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई गई है, जिसमें साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। हवेली के अंदर ओम प्रकाश बैठे हैं, कुछ कपड़े लेकर बैठे हैं वो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ त्यौहार का माहौल है। यहाँ बता दें कि ओम प्रकाश ने फिल्म में जीवनदास की भूमिका को निभाया है। गोविंददास कपड़े लेकर बैठे हैं और शंकर और पार्वती को आवाज़ दे रहे हैं। शंकर हैं मनमोहन कृष्ण, जो कि जीवनदास के छोटे भाई हैं। पार्वती उनकी पत्नी हैं, जिसका किरदार फिल्म में सुलोचना ने निभाया है। शंकर और पार्वती के आने पर जीवन शंकर से पूछते हैं कि क्या कृष्ण जन्म के लिए झूले का प्रबंध हो गया है। इस पर शंकर कहते हैं कि झूला सजा दिया गया है, रेशम की डोर पिरोई जा रही है, जिससे ये पता लगता है कि जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी के त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं घर में। उसी के बाद पार्वती और शंकर को जीवन कहते हैं कि जो कपड़े मैंने दिए हैं यही तुम्हें जन्माष्टमी में पहनने हैं। फिर जीवनदास अपनी पत्नी भागवंती, जिसका किरदार फिल्म में निभाया है ललिता पवार ने, उनको भी बुलाकर साड़ी देते हैं। भागवंती शिकायत भरे लहजे में कहती हैं कि उनकी देवरानी की साड़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जीवनदास उसकी बातों को हंसी में टाल जाते हैं। जीवनदास और भागवंती के कोई संतान नहीं है, उनके छोटे भाई शंकर के दो बेटे हैं। उस समय हो रही बातों से पता चलता है कि छोटे भाई के बच्चों को ही जीवनदास अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भागवंती का विशेष स्नेह है छोटे बेटे पर, जो कि हॉस्टल में रहते हैं। और इसी तरह बातें होती रहती हैं, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, ताऊ ताऊ, जिसे सुनकर भागवंती और जीवनदास बाहर की ओर भागते हैं, पुकारते हैं वो, उन्हें आवाज़ आती है गोविंद की, तो वो गोविंद गोविंद कहकर बाहर की ओर भागते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि गोविंद पानी के कुंड में गिरा हुआ है। यहाँ बता दें कि गोविंद के किरदार में हैं फिल्म के हीरो सुनील दत्त। अपने ताऊ से पूछने पर कि वो कुंड में कैसे गिरा, गोविंद बताते हैं कि आज गोपाल यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि लक्ष्मी, जो कि उनकी गाय का नाम है, लक्ष्मी को के सींग को लाल रंग से रंग दूं, लेकिन उसने मुझे दुलत्ती मार दी और मैं कुंड में जा गिरा। इस पर भागवंती हंसने लगती है। भागवंती जो है वो छोटे भाई पर स्नेह रखती हैं, तो गोविंद क्योंकि उनको थोड़ा बहुत चिढ़ाते रहते हैं तो उनसे थोड़ा सा जलन रखती हैं, वो उन्हें उतना प्यार नहीं करती जितना उसके छोटे भाई को प्यार करती हैं। तो दुलत्ती की बात सुनकर भागवंती हंसने लगती हैं। जब
तब जीवनदास कहते हैं कि अरे ये गाय तेरी ताई के मैके से आई है ना, तो दुलत्ती तो मारेगी ही। इस पर भगवंती चिढ़कर बोलती हैं कि इसी गाय का दूध पीकर तुम हट्टे कट्टे हुए हो। फिर सब घर के भीतर चले जाते हैं और जब गोविंद नहा धोकर आता है तो जीवनदास उसे भी रेशमी धोती कुर्ता देते हैं पहनने के लिए। अगले सीन में कृष्ण जी का झूला सजा हुआ है और सब भजन कर रहे हैं। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। क्यों दुबधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। पूजा खत्म होती है तो गोविंद अपने ताऊ जीवनदास से कहता है कि ये पहली जन्माष्टमी है जब श्यामू शहर से नहीं आया, उसके हिस्से का प्रसाद लिफाफे में डालकर उसे भेज देंगे। तब ताऊ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रसाद नहीं भेजा जा सकता, उसके लिए जो कपड़े लाया था वो मैंने पार्सल कर दिए हैं। फिर सीन बदलता है। गोविंद खेत में काम कर रहा है तभी उसे तांगा आता दिखाई देता है जिसमें उसकी
जिस तांगे में उसकी माँ एक लड़की के साथ बैठी हुई है। गोविंद माँ को देखकर आवाज लगाता है तो माँ तांगे से उतरकर गोविंद के पास आती है और साथ में आती है वो लड़की जो माँ के साथ तांगे में बैठी हुई थी। गोविंद उस लड़की की ओर इशारा करके पूछता है कि ये कौन है, तो माँ बताती है कि ये उनके पुराने काश्तकार की इकलौती बेटी राधा है। इसकी माँ पहले ही नहीं थी और अब पिता भी स्वर्ग सिधार गए हैं, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। इस पर गोविंद कहता है कि इसी तरह यदि सब लोग एक एक अनाथ को अपना लें तो दुनिया के सभी अनाथालय बंद हो जाएं। राधा गोविंद से बहुत प्रभावित होती है। वह कहती है कि आपके परिवार में सभी लोग इसी तरह दयालु हैं क्या? इस पर गोविंद हंसता है और कहता है कि मुझे और माँ को देखकर यह अंदाज़ा मत लगाओ, मेरी ताई से मिलना फिर पता चलेगा। वो ताई को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही हंसी मजाक करते रहते हैं क्योंकि ताई उनसे चिढ़ती हैं। यहाँ बता दें कि राधा जो हैं वो फिल्म में हीरोइन नूतन है। नूतन ने फिल्म में राधा का किरदार निभाया है। फिर सीन बदलता है। घर के अंदर जीवनदास पंडित जी को से राम कथा सुन रहे हैं। गोविंद अंदर आता है और उसके पीछे पीछे माँ और राधा भी अंदर आते हैं। राधा का परिचय जानकर गोविंद की ताई भागवंती नाराज होने लगती हैं। इस पर गोविंद राधा से कहता है, देखा ताई का माँ खुलते ही पटाखे फूटे ना। इस पर भागवंती बहुत नाराज हो जाती है और गोविंद को अपशब्द कहने लग जाती है। जीवनदास और भागवंती में थोड़ी देर तकझक होती है और अंत में जीवनदास कहते हैं कि राधा इसी घर में रहेगी। गोविंद की माँ पार्वती राधा को लेकर अंदर चली जाती है। राधा पार्वती से पूछती है क्या गोविंद जन्म से ही दिव्यांग हैं, क्योंकि गोविंद को बचपन में करंट लग गया था। जो बच्चा बचपन में खंभे पर से गिर गया था, बिजली के खंभे पर से, वो गोविंद ही है। तो उनका एक तरफ का दायां अंग जो है उनका हाथ और पैर खराब हो गया था बचपन में करंट लगने से। तो इसी पर ये देख करके राधा पूछती है क्या हाथ पैर इनका जन्म से ही इस तरह से है। लेकिन गोविंद की माँ राधा से बताती है कि नहीं। तो वो बचपन वाली सारी घटना राधा को बता देती है और रोने लगती है। कहती है कि बिजली सारी दुनिया में उजाला करती है लेकिन बिजली मेरे घर में अंधेरा लेकर आई। तभी गोविंद वहाँ आ जाता है और राधा से कहता है, माँ की बातों में मत आना, ये तो रात दिन बिजली को कोसती रहती है। गांव के हर घर में बिजली है लेकिन गांव के सबसे बड़े घर में तेल के दिए जलते हैं। जब से मेरा हाथ बिजली से छुआ है, माँ ने तब से घर में बिजली कटवा दी। गोविंद कहता है कि अगर बिजली ना होती तो इतनी बड़ी बड़ी मिलें कैसे चलती। ये तो गलत बात है कि एक हादसा हो जाए तो उससे घर की बिजली ही कटवा दी जाए, और लाखों लोग रोज़ गाड़ी में सफ़र करते हैं और उनकी टक्कर भी होती है, तो क्या लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। ये तर्क सुनकर राधा काफ़ी प्रभावित होती है। सीन बदलता है और जीवनदास नहा रहे हैं। उनकी पत्नी भागवंती आकर उन पर पानी डालने लगती है, तो जीवनदास कुछ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई बात ज़रूर है, इसीलिए ये मुझे नहलाने आ गई, वरना ये कहाँ आती। तो जीवनदास कहते हैं कि अरे तुम कैसे बदल गई, क्या बात है बताओ। तब भगवंती बताती हैं कि मेरे भाई का लड़का नौरंगी लाल और उसकी बहन सिंगापुर से आ रहे हैं और वो हमारे घर पर ही ठहरेंगे। ये बात सुनकर जीवनदास को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी पत्नी की बात उन्हें माननी पड़ती है कि ठीक है घर में उन्हें बुला लो। सीन बदलता है जहाँ एक पानी का जहाज दिखाया जाता है। उसमें प्राण सिगार पीते हुए नीचे उतर रहे हैं। उनके पीछे हैं हाथ में एक छोटा सा कुत्ता लिए नीलिमा और मनमौजी। यहाँ बता दें कि प्राण नौरंगी लाल के किरदार में हैं, नीलिमा हैं मुमताज़ और मनमौजी हैं मोहन चोटी। नौरंगी लाल कहता है कि ये हिंदुस्तान मेरा फादरलैंड है। तो जो मनमौजी हैं वो उन्हें टोकते हैं कि अरे फादरलैंड नहीं मदरलैंड कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो मेरा फादरलैंड है क्योंकि मेरे पिताजी हिंदुस्तान के थे और माँ मेरी गोवा की थी, और उस समय की बात है जब उनका विवाह हुआ तब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये मेरा फादरलैंड है। वो नीलिमा से कहते हैं कि चलो तुम्हें अपना फादरलैंड दिखाऊं, और तभी होता है ये गीत।
चिट महले जाना सारा शहर तेरा दीवाना तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे ढल के दुपट्टा तो लट तेरे बिखरे झुक जाए नैनवा तो रूप तेरा निखरे ढल के दुपट्टा तो लट तेरे बिखरे झुक जाए नैनवा तो रूप तेरा निखरे दीवाना तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे तेरा अंग अंग है जागा पीछे हर दिल वाला भागा कोई काम ना करे सोच के मेले जाना सारा शहर तेरा दीवाना तेरे रूप देखे ताना बदनाम ना करे गीत खत्म होते होते नौरंगीलाल नीलिमा और मनमौजी साथ में वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके नाच गाने पर टिप्पणी करने लगते हैं। इस पर गोविंद और नौरंगी में तकझक होने लगती है और गांव वाले नौरंगीलाल को वहाँ से खदेड़ देते हैं। फिर सीन बदलता है जहाँ जीवनलाल अपनी पत्नी भागवंती के साथ पंडित जी से अपने घर का भविष्य पूछ रहे हैं। घर का भविष्य पूछ रहे हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं कि आप किसी दिन का नाम लीजिए। वो शनिवार का नाम लेते हैं, शनि उनके मुंह से निकलता है। और तभी दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकती है और टैक्सी देखकर जो जीवनदास की पत्नी हैं भागवंती वो दौड़ती हैं, समझ जाती हैं कि उनका भतीजा नौरंगीलाल आ गया। और गाड़ी में से नौरंगीलाल उतरकर अंदर आता है और उसके पीछे पीछे हाथ में कुत्ता लिए नीलिमा और मनमौजी आते हैं। टैक्सी का किराया भी नौरंगी नहीं देता, अपनी फूफी से ही मांग करके देता है। नौरंगी जीवनदास की ओर इशारा करके पूछता है कि ये बूढ़ो कौन है। फिर कहता है कि अरे ये फूफा की चुटिया काट क्यों नहीं देती। वो अपने आप को थोड़ा मॉडर्न दिखाते हैं क्योंकि वो सिंगापुर से आ रहे हैं। तो
और वहाँ के लोगों को वो थोड़ा सा गंवार समझते हैं क्योंकि वो गांव के लोग हैं, तो चुटिया देख करके उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस चुटिया को कटवा दो। इस बात पर जीवनदास थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जीवनदास नौरंगी से ठीक से बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तो नौरंगी कहता है कि अरे फूफी तुम चिंता मत करो, इनको मैं ठीक कर दूंगा। भगवंती अपने भतीजे को लेकर अंदर की ओर बढ़ती हैं, तभी सामने से गोविंद, शंकर, पार्वती और राधा आते दिखाई देते हैं। तो नौरंगी पूछता है कि ताई तुम्हारे रिश्तेदार इतने गंदे हैं, और बताता है कि इन्होंने मुझसे बदसुलूकी की और मुझे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवंती नौरंगी को लेकर अंदर चली जाती हैं और वो जो है उन लोगों को भला बुरा बोलती हैं, क्योंकि पहले ही वो उन्हें पसंद नहीं करती हैं, तो भला बुरा बोल करके गोविंद को और वो नौरंगी को लेकर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाकर नौरंगी कहता है कि जगह तो अच्छी है लेकिन बिजली नहीं है। इस पर पार्वती कहती हैं कि अब तुम आ गए हो, सब जगह उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिर नारंगी घर के सभी सदस्यों की जानकारी लेता है, तभी उसे राधा झाड़ू लगाती हुई दिख जाती है। उसका ध्यान राधा की ओर जाता है, हालांकि उसकी फूफी जो हैं भगवंती वो उसे बोलती भी हैं कि अरे ये तो घर की नौकरानी है, इसकी ओर क्यों ध्यान दे रहे हो। और फिर सीन बदल जाता है और जहाँ गोविंद खाना खा रहे हैं, ये सीन दिखाया जाता है कि गोविंद बैठकर खाना खा रहे हैं और वो नीचे से पानी उठाना चाह रहे हैं जो वो उठा नहीं पा रहे हैं। इस पर राधा जाती हैं और उन्हें हाथ से उठा करके पानी पिलाती हैं, अर्थात दोनों में निकटता बढ़ रही है। और अगले दृश्य में होता है ये गीत। उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ, तुम जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तू खा। पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। Thank you.
पर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दादा छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा 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 देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा नील गगन पर उड़ से बादल पा 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 धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आकाशवाणी का जॉइंट वेंचर मतदाता जागरूकता और वोटर्स राइट्स पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रायोजित कार्यक्रम मतदाता जंक्शन 23 भाषाओं में देश भर में आकाशवाणी नेटवर्क पर 42 FM विविध भारती 25 FM रेनबो 4 FM गोल्ड साथ में प्राइमरी और लोकल रेडियो स्टेशंस पर हर शुक्रवार जुड़िए मतदाता जंक्शन से आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों पर FM 106.4 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर। सिनेमा घर में आज की फिल्म है 1965 की फिल्म खानदान। तो ये गीत जैसे ही ख़त्म होता है नारंगी राधा से मीठा मीठा बोलकर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। सीन बदलता है, घर के अंदर राधा काम कर रही हैं लेकिन नौरंगी जो है उससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राधा झाड़ू से उसकी पिटाई कर देती है और नाराज़ होकर नौरंगी घर से जाने लगता है। लेकिन तभी श्याम हॉस्टल से आ जाता है। जैसे ही नौरंगी दरवाजे के पास पहुंचता है वैसे ही श्याम आता दिखाई देता है। श्याम गोविंद का छोटा भाई है जो कि शहर में रहता है और हॉस्टल में पढ़ता है। श्याम का किरदार निभाया है अभिनेता सुदेश कुमार ने। श्याम नौरंगी को मनाकर अंदर ले जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये हमारे मेहमान हैं तो उन्हें मना करके अंदर ले जाता है और सामने ही नीलिमा भी खड़ी होती हैं जिनसे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो नौरंगी और उनकी बहन नीलिमा श्याम की बात मान लेते हैं और घर में आ जाते हैं। इस तरह से उन लोगों में थोड़ी सी बातचीत होती है, घनिष्ठता एक दूसरे से वो लोग प्रभावित होते हैं। और इधर माँ ने जो है वो शाम के लिए आलू के पराठे बनाए हैं जो उसे बहुत पसंद हैं और जब भी वो हॉस्टल से आता है तो माँ के बनाए हुए आलू के पराठे खाता है। लेकिन आज चूँकि नौरंगी और नीलिमा वहाँ हैं तो नौरंगी उसे फुसला करके अपने साथ नाश्ता करने के लिए ले जाता है और इधर माँ आलू के पराठे बना के बैठी रहती है और उसका बड़ा भाई गोविंद इंतज़ार करता रहता है कि अब शाम आएगा और मैं उसके साथ नाश्ता करूंगा। लेकिन शाम नहीं आता। हालांकि गोविंद जो हैं वो उन्हें बुलाने भी जाते हैं लेकिन वो नहीं आते हैं। इससे गोविंद बहुत दुखी होते हैं। नौरंगी बीच में दोनों भाइयों के बीच में बोलते हैं तो उनमें भी तकझक होने लगती है। इस पर शाम चिढ़कर बोलते हैं कि मैं जो हूँ नीलिमा से शादी करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने भाई को भगा देते हैं। और नारंगी के कहने पर नीलिमा और शाम घूमने जाते हैं। Thank you.
राही हूँ दूर का मैं, बंदा हुजूर का मैं, जुल्फों की चाहता हूँ छाओ तेरा प्यासा डांस करे थोड़ा रोमांस करे नजर नजर में हुआ है सौदा तेरे मेरे दिल का डांस करे। उन्हें इस तरह से रोमांस करते हुए जीवनदास और उनके भाई शंकर देख लेते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है कि हमारा जो बेटा है श्याम, वो नौरंगी लाल और नीलिमा के जाल में फंसता जा रहा है। तब जीवनदास अपने भाई शंकर से कहते हैं कि तुम्हें याद है मोतीपुर के चौधरी हरप्रसाद ने पिछले साल अपनी दो लड़कियों के रिश्ते के लिए कहा था, मगर शर्त ये थी कि अगर श्याम उसकी छोटी लड़की से शादी करे तो वो अपनी बड़ी लड़की की शादी गोविंद से कर देगा। तब तो बात टल गई थी, लेकिन श्याम को नीलिमा के चक्कर से बचाने के लिए हमें ये शर्त अब मान लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं मोतीपुर जाकर उनसे शादी के लिए बात करता हूँ, रिश्ता लेके जाता हूँ। उनकी ये सारी बात नौरंगी छिपकर सुन लेता है और घर जाकर सारी बात अपनी फूफी यानी कि भागवंती से कह देता है। अब दोनों मिलकर जो है योजना बनाते हैं कि उनके जो रिश्ता लेके जाने वाली बात है उसको किस तरह से विफल किया जाए। इधर नीलिमा राधा और गोविंद के खिलाफ श्याम के कान भरती है। श्याम गोविंद से लड़ता है और ऐलान करता है कि वो नीलिमा से ही शादी करेगा। तब उसके ताऊ जीवनदास कहते हैं कि जब तक बड़े भाई यानी कि गोविंद की शादी नहीं होगी तब तक छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती। इस पर नौरंगी ताना मारता है कि गोविंद तो दिव्यांग है तो उससे कौन शादी करेगा, तो ना तो गोविंद की शादी होगी और उसकी शादी नहीं होगी तो श्याम तुम क्या शादी कर पाओगे। ये बात गोविंद को चुभ जाती है और सारी रात वो उसी की बात सोचता रहता है, उसके कानों में उसकी बात गूंजती रहती है। तब वो फैसला करता है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है और रात के अंधेरे में उठकर वो कुएं के पास जाता है। जैसे ही वो कुएं के अंदर झांकने लगता है तभी वहाँ राधा आ जाती है और उसे रोक लेती है। राधा गोविंद के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे पनाह दी है, इतना प्यार दिया है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। ये सब बातें ऊपर खड़ा नौरंगी सुन लेता है और जाकर अपनी फूफी के कान भरता है, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सब बातें बताता है। तो और नौरंगी कहता है कि जब बड़े भाई की शादी एक नौकरानी से होगी तो छोटे भाई की जो पत्नी है वो भी, उसका किरदार भी जो है घर में एक नौकरानी के ही समान उसकी हैसियत हो जाएगी, तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूँगा श्याम से। इस पर जो उसकी फूफी हैं भगवंती, वो काफ़ी हल्ला मचाती हैं घर में, लेकिन उनकी बात लोग नहीं सुनते। पर वो नौरंगी के कहने पर
कि घर के दो हिस्से हो जाएं और अलग रहेंगे तभी मेरी बहन उससे शादी करेगी। और वो भागवंती जो हैं वो जाकर के पंचों से मिलती हैं और अपने पति जीवनदास से भी कहा सुनी करके घर के दो हिस्से करवा देती हैं। जब घर के दो हिस्से हो रहे होते हैं, पंच आए हैं घर में और बातचीत चल रही है, हर चीज़ का दो दो हिस्सा किया जा रहा है, घर ज़मीन जायदाद खेत हर चीज़ के दो हिस्से हो रहे हैं, उसी समय नौरंगी को एक और खुराफात सूझता है और वो कहते हैं कि जब घर के दो हिस्से हो रहे हैं तो वो हिस्से तो दो भाइयों जीवनदास और शंकर के हैं और शंकर के दो बेटे हैं श्याम और गोविंद, तो उनके भी हिस्से हो जाने चाहिए। इस पर सबको बहुत ही बुरा लगता है और एक तरह से परिवार के लोगों पर जैसे वज्रपात हो जाता है, लेकिन सब लोग मजबूर हैं क्योंकि जो भागवंती हैं वो अपने भतीजे नौरंगी की तरफदारी ही करती हैं और उसकी सिखाई बातों में आ जाती हैं, तो घर का बंटवारा हो जाता है और घर के बीचों बीच दीवार पड़ जाती है। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था
का है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है, आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिरदर्द, बदन दर्द, मछली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर। सिनेमा घर में आज की फिल्म है 1965 में रिलीज हुई फिल्म खानदान। तो घर का बंटवारा हो जाता है और घर में बहुत ही गमगीन माहौल है। हालांकि नारंगी, उसकी ताई और नीलिमा, श्याम, ये सब तो खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है जीवनदास बहुत ही उदास हैं, क्योंकि वो अपने भाई से अलग हो गए हैं और उनकी पत्नी ने उनको जो है ये कसम दी है कि तुम अपने भाई से मिलने उस पार नहीं जाओगे, मतलब घर के दूसरे हिस्से में नहीं जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे वो बहुत मजबूर होते हैं, अपने भाई को भी नहीं देख पाते। घर का बंटवारा होने पर जीवनदास के छोटे भाई शंकर बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तभी उन्हें दूसरी तरफ से जो शाम वाला हिस्सा है, जो उसके बड़े भाई जीवनदास वाला हिस्सा है, वहाँ से शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है। शहनाई की आवाज़ सुनकर शंकर का मन अपने मचलने लगता है और वो पूछता है कि ये शहनाई की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उनके बड़े बेटे बताते हैं कि शहनाई की आवाज़ जो है वो दूसरी तरफ से आ रही है, शाम का विवाह हो रहा है। बहुत इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं अपने बेटे को सहरा पहना हुआ देखूं, लेकिन मजबूर होते हैं। पर बड़े भाई से, गोविंद से जो है ये मजबूरी अपने पिता की देखी नहीं जाती और वो दौड़ कर जाते हैं अपने भाई को बुलाने के लिए कि पिता के पास एक बार चलो, तुम्हें सहरे में देखना चाहते हैं। लेकिन गोविंद अपने भाई की बात नहीं मानता और वहाँ से उसे निराश होकर आना पड़ता है। एक दिन यूं ही जीवनदास और शंकर दोनों भाई मंदिर में मिल जाते हैं और बात करने लगते हैं। तब शंकर कहता है कि अब हम गोविंद का भी विवाह राधा से करने जा रहे हैं। इस पर जीवनदास बहुत खुश होते हैं और बहुत खुश होकर कहते हैं कि हाँ, उसका विवाह कर दो, मैंने भी कुछ चीज़ें रखी हैं शादी के लिए जो मैं दूंगा, और शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इनकी शादी की बात सुनकर जो है गोविंद अपने भाई को बुलाने जाते हैं शाम को। गोविंद तो नहीं आते, लेकिन नीलिमा और गोविंद भाई को बुलाते हैं शाम को, लेकिन शाम नहीं आते। नीलिमा और नारंगी उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी बात पे शाम जो है अपने भाई पे हाथ उठा देते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। सीन बदल जाता है, गोविंद और राधा की शादी हो चुकी है। जीवनदास दीवार पर खड़े होकर के झाँक रहे हैं और दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों का विवाह सम्पन्न हो गया है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देख इधर नारंगी जो है वो फूफी को मूर्ख बनाते रहते हैं। शाम को एक फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और नारंगी फूफी को मूर्ख बनाकर उनकी ज़मीन जायदाद जो है वो गिरवी रखवा देते हैं और उनसे 50 लाख रुपए लेकर बिजनेस करना चाहते हैं। वो बिज़नेस के लिए पैसे ले जाते हैं और इधर जब शाम अपने ऑफिस में बैठे अखबार में नारंगी लाल के कार्निवाल का इश्तहार पढ़ता है तो उसे फ़ोन करता है। नारंगी कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस में आकर मिलूँगा। इधर भगवंती को पता चलता है कि राधा गर्भवती है और नीलिमा भी गर्भवती होती है, लेकिन जब वो राधा की गर्भवती होने की बात सुनती हैं तो उसे ताना मारती हैं कि लंगड़े लूले का के घर कैसा बच्चा होगा, वो भी तो लंगड़ा लूला ही होगा। इससे गोविंद बहुत ही दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बाद गोविंद के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उन्हें और गोविंद जो है बच्चे के होने पर उसके हाथ पैर छू छू करके देखते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं बच्चा भी मेरी ही तरह ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा एकदम स्वस्थ है। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ यानी कि नीलिमा को भी जो है लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन घर में कोई नहीं है तो गोविंद दौड़कर जाते हैं डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। बाद में पार्वती डॉक्टर से पूछती है कि बच्चा कैसा है, उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है लेकिन बच्चे का एक हाथ टेढ़ा होता है। इस बात पर भी भगवंती गोविंद को ही कोसती हैं कि यही यहाँ पे झांकता रहता था, इसी वजह से बच्चा जो है ऐसा हो गया। दूसरी तरफ सीन बदलता है तो दिखाया जाता है कि कार्निवाल में नाच गाना चल रहा है और नाच गाने में ये गीत हो रहा है। कार्निवाल अच्छा चल रहा होता है और नारंगी लाल की कमाई भी काफ़ी होती है, लेकिन नारंगी लाल जो है वो उनके यहाँ दो डांसर हैं जती सती जिनकी वजह से अच्छी कमाई कर रहे हैं और जितना पैसा वो कमाते हैं वो जती सती के कहने पर अलमारी में रख देते हैं और वहीं सो जाते हैं। जब सुबह वो सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि पैसा गायब और उसके साथ साथ जती सती भी गायब हो चुकी होती हैं। नारंगी बेहोश हो जाता है जब वो देखता है कि मेरा सारा धन लेकर दोनों डांसर्स भाग गई हैं। और उधर भगवंती को दिखाते हैं, जब सीन बदलता है तो दिखाते हैं कि भगवंती सोनार के यहाँ जा रही हैं और राधा भी गोविंद को के पास मुन्ने को छोड़ करके मंदिर में जाती हैं क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी होती है तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वो मंदिर में जाना चाहती हैं। जाते जाते जो है भगवंती सुनार के यहाँ जाती हैं तो जाते जाते ज़ोर से चिल्लाकर गोविंद को ताना मारते हुए जाती हैं। गोविंद अपने बच्चे को लेकर के खड़ा रहता है, बेचारा बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी ताई जो है वो बात बात पर उसे ताना मारती रहती हैं और अपने बच्चे को लेकर वो ये गीत गाता है।
एक कहानी सुन ले ओ मेरे लाल, जरा मेरी जुबानी सुन ले मेरे नन्ने मेरे मुन्ने, मेरी औलाद है तू। मैंने भगवान से जो की थी वो फरियाद है तू। बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी तुझको उठा सकता नहीं। तू अगर चाहे के बन जाऊं मैं तेरा घोड़ा, जो न बन पाऊं तो दुख होगा तुझे भी थोड़ा। लेकिन एक बात मेरे बच्चे तुझे याद रहे, लेकिन एक बात मेरे बच्चे तुझे याद रहे, दिल तेरी माँ का तेरे प्यार से आबाद रहे। तू होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। तू होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। बदकिस्मत के घर में हुआ है पैदा किस्मत वाला। तू होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। इस तरह से गोविंद की आवाज़ सुनकर उसके ताऊ बाहर आ जाते हैं और बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। गोविंद कहता है कि ताई बिगड़ेगी, तब वो कहते हैं कि ताई तो बाहर गई हुई है। गोविंद ताऊ को बताता है कि पिता ने बच्चे का नाम उसके नाम पर ही नवजीवन दास सोचा है। ये सुनकर उसके ताऊ बड़े खुश होते हैं। सीन बदलता है और नारंगी शाम से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और उससे पैसे मांगता है। शाम को मनाकर उसके ऑफिस का पैसा, जो कि 20,000 रुपये ऑफिस का पैसा होता है शाम के पास, उसमें से 10,000 रुपया हाथी खरीदने के लिए ले लेता है और कहता है कि 2 दिन में ही वो पैसा वापस कर देगा। इधर शाम के सेठ को पता चल जाता है कि उसने ऑफिस के पैसे को नौरंगी को दे दिया है। वो शाम को अल्टीमेटम देते हैं कि सुबह तक पैसा मुझे मिल जाना चाहिए वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। शाम नौटंकी नौरंगी के पास पहुंचता है पैसा मांगने। नौरंगी हाथी का खेल दिखाने के लिए किसी छोटे बच्चे को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे छोटा बच्चा नहीं मिलता। तब वो चाल चलता है और गोविंद के खेतों में आग लगा देता है, जिससे सब लोग भाग के खेत की ओर जाते हैं और वो जो है उसके गोविंद के बच्चे को लेकर के कार्निवाल में भाग जाता है हाथी का खेल दिखाने के लिए। लेकिन जो उसका मनमौजी है, जो वो खेत में लोग उसे पकड़ लेते हैं और मनमौजी सारी बात बताता है कि हाँ आग इसलिए लगाई गई है कि छोटे मुन्ने को लेकर के वो कार्निवाल में चला जाए। तब वो सभी लोग भागकर कार्निवाल में जाते हैं। राधा अपने बच्चे को खींच लेती है वहाँ से और गोविंद को फिर वहाँ पे करंट लग जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन इस बार जो करंट लगता है उससे उसके हाथ पैर ठीक हो जाते हैं और परिवार के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और नारंगी की असलियत सबके सामने आ जाती है। नारंगी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। हंसी खुशी का माहौल शुरू हो जाता है फिर से पहले की ही तरह। तो इस तरह से ये कहानी खुशी के माहौल में ख़त्म होती है। और तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सिनेमाघर में आज की फिल्म खानदान अच्छी लगी होगी। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त अंजू पांडे को दीजिए विदा। नमस्कार।